बिहार में जदयू क्या आरक्षण विरोधी भाजपा पोल खोल योजना चला रही है, इसको लेकर बीजेपी बिहार विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार नायक ही नहीं खलनायक है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बीजेपी को आरक्षण विरोधी बता रहे हैं, वो गलत है। गुजरात में जो नगर निकाय चुनाव हुआ वह आरक्षण के आधार पर ही हुआ। साथ ही सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि जदयू बीजेपी की क्या पोल खोलेगी, जदयू की सारी पोल खुद खुल गई है। क्या कुछ कहा सम्राट चौधरी ने वो सुने। नीतीश कुमार आज के तारीख में नायक नहीं खलनायक बनकर आए हैं अति पिछड़े के, और अति पिछड़े का सम्मान यदि सबसे ज्यादा गिराने का काम किया तो नीतीश कुमार जी ने किया। आज समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद भी ये लोग बार बार भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या वह स्वयं कहते हैं कि ये सबके सहमति से सुशील मोदी जी उस समय नगर विकास मंत्री थे। अरे तो ये 2005 की बात कर रहे हैं, ये 2022 है। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उसके बाद बिहार में भी पंचायती राज का चुनाव हम लोगों ने कराया। लेकिन इसके आगे मैं बढ़ के कह रहा हूं कि गुजरात में चुनाव कराए गए नगर निगम के, उसमें भी आयोग बनाए गए, जवेरी कमीशन वहां बनाया गया, मध्य प्रदेश में कमीशन बनाया गया, महाराष्ट्र में कमीशन बनाया गया। लेकिन नीतीश कुमार जी अपने जिद में वो नहीं चाहते कि यहाँ कमीशन बने। क्या यहाँ पर कभी आर्थिक सर्वेक्षण अति पिछड़ों का हुआ, पिछड़ों का हुआ? कभी शैक्षणिक पता लगाने का काम किया गया? सामाजिक तौर पर सिर्फ हम ये किए कि इस जाति को हम पूरे बिहार में आरक्षण देने का काम करें। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम यूनिट मानेंगे नगर निगम को, नगर निकाय को, नगर पंचायत को, और उन तमाम चीजों को रीड कराना है। ये पता नहीं किस तरह की थ्योरी कर रहे हैं, और जबकि उसमें पत्र में बड़ा स्पष्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य और सभी यूनियन टेरिटरीज को पत्र दिया है। इसलिए यह नहीं कह सकते हैं कि हमारे राज्य को सूचना नहीं था। इसलिए मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि आज जो पोल खोल की राजनीति की बात कर रहे हैं, उनका सारा पोल खुल गया। आज जो जनता दल यूनाइटेड बैठी है, उनके सारे पोल खुल गए। हम तो ना 3 में है ना 13 में है, ना हम सरकार है ना हाई कोर्ट में हम बैठते हैं। हाई कोर्ट में भी एक संवैधानिक स्थिति बनी है, वहां ऑटोनोमस बॉडी है, और बिहार की सरकार नीतीश कुमार लेड गवर्नमेंट है। तो नीतीश कुमार जी को जवाब देना पड़ेगा कि अति पिछड़ों का सम्मान क्यों घटा। और हम तो यहाँ भी डिमांड करेंगे कि आरक्षण देकर तुरंत चुनाव कराओ, जितने राशि